एक तरफ प्यार का मुजरिम गिरफ्तार, एसपी ने किया खुलासा। न्यूज वन के लिए अमीन अहमद की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से है, जहां पुलिस ने जान से मारने के जुर्म में एक वांछित चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार हुए आरोपी फैजान के पास से एक तमंचा, 12 बोर और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। पकड़े गए आरोपी का एक साथी शमशाद इसी जुर्म में पहले जेल जा चुका है। इसी कड़ी में आज बिजनौर की हिमपुरदीपा पुलिस ने आरोपी फैजान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल बिजनौर के हिमपुरदीपा थाना क्षेत्र के ग्राम रावटी में 3 जुलाई को बाइक सवार दो अज्ञात युवकों द्वारा ट्रैक्टर सवार राशिद को जान से मारने की नीयत से उसको गोली मारकर घायल कर दिया गया था। आरोपियों द्वारा ट्रैक्टर चालक राशिद को मरा समझकर दोनों युवक मौके से घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए थे। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल राशिद को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। इसी कड़ी में पुलिस द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की तो पुलिस ने हत्या के इरादे से गोली मारने वाले आरोपी शमशाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं दूसरा आरोपी फैजान गिरफ्तारी के डर से फरार हो गया था। घटना में वांछित चल रहे दूसरे आरोपी फैजान को आज हिमपुरदीपा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा, 12 बोर और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। आरोपी द्वारा पुलिस पूछताछ में बताया गया कि फैजान राशिद की लड़की से एक तरफा प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। राशिद ने शादी करने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते फैजान ने अपने साथी शमशाद के साथ मिलकर राशिद को रास्ते से हटाने के इरादे से उसे जान से मारने की नीयत से गोली मार दी थी। पुलिस द्वारा आज फैजान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। करीब 25 दिन पहले थाना क्षेत्र हिमपुर दीपा में एक व्यक्ति को दो अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी थी। पुलिस टीम ने इनमें से एक शमशाद को पहले ही पकड़कर जेल भेजा है। आज दूसरे साथी फैजान को तमंचे के साथ भी अरेस्ट किया है। खुलासा करते हुए यह संज्ञान में आया है कि फैजान घायल राशिद की पुत्री को एक तरफा प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था और क्योंकि उसका पिता इनके रिश्ते के आड़े आ रहा था तो उसको रास्ते से हटाने के लिए उसने इस घटना को अपने साथी के साथ मिलकर अंजाम दिया है। पुलिस टीम ने इसको अरेस्ट करके आज जेल भेजा जा रहा है। वैधानिक कार्रवाई कर